नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले देवघर जिला में मिला दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज। यह भी सारवा प्रखंड के भुरकुंडा गांव का 18 वर्षीय मरीज के रूप में इसकी पुष्टि की गई है। वहीं संबंध में डीसी नैन्सी सहाय ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, भयाक्रांत ना हों, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, सतर्क रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। साथ ही जो ऐसे मरीज हैं उन्हें हेय दृष्टि से ना देखें। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आइए सुनते हैं। उपायुक्त नैन्सी सहाय के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास चंद्र श्रीवास्तव, प्रखंड विकास पदाधिकारी सारवा द्वारा उनकी उपस्थिति में देवघर में दूसरा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उक्त इलाके को पूरी तरह से सील करते हुए इलाके को नो एंट्री जोन में घोषित कर दिया गया है। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि कोरोना से संक्रमित पाया जाने वाला युवक कहाँ कहाँ गया है, किससे मिला है, इससे जुड़ी संपूर्ण निगरानी और ट्रेसिंग प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। जल्द ही चिन्हित क्षेत्र के सभी लोगों के नमूने को जांच करने के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा एहतियात के तौर पर किसी के भी आने जाने पर संपूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही इसे जुड़ने वाले सभी मार्ग को पूरी तरह से बंद करते हुए प्रत्येक मार्ग पर दंडाधिकारी व पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। वहीं उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गई कि सारवा प्रखंड के भुरकुंडा गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की जानकारी के पश्चात उक्त व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए क्वारंटाइन सेंटर में मां ललिता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। याद हो कि मरीज के गुजरात से देवघर आने की सूचना के पश्चात क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा था। रिपोर्ट आने के बाद अब तक कोरोना से संबंधित कोई भी प्राथमिक लक्षण मरीज में नहीं दिख रहे हैं। साथ ही वर्तमान समय में मरीज की स्थिति बिल्कुल स्थिर बनी हुई है। इसके अलावा आमजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए एहतियात के तौर पर गांव तक पहुंचने वाले हर रास्ते व चेक पोस्ट पर दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही सभी की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए गांव को सील किया गया है। ऐसे में आप सभी से आग्रह है कि बिना पैनिक हुए जिला प्रशासन का सहयोग करें। आप सभी को नमस्कार। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे देवघर जिले में दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है और ये दोनों ही सारवा प्रखंड से हैं। पहला मरीज जो हमें दो दिन पहले मिला था वो गमरिया गांव का था और आज एक 18 वर्षीय व्यक्ति की पुष्टि की गई है जो कि कोरोना पॉजिटिव है और वो भुरकुंडा गांव से है। ये व्यक्ति भी गुजरात से काम करके लौटा था और हम लोगों ने इसे क्वारंटाइन किया था। आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जानकारी देने के बाद हम लोगों ने इसको इमीडिएटली क्वारंटाइन सेंटर से माँ ललिता हमारे हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। हमारे दोनों ही मरीज जो वहाँ पर है दोनों की स्थिति बिल्कुल ही स्थिर है। उनमें कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं है।